बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपको अस्तर वाले सूट पर गला पलटना सिखाती हूँ, वो भी बग़ैर बुकरम के। बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा। ये देखिए इस तरह का गला ये बना हुआ है, मोती बीड्स भी लगे होते हैं इसमें। इसको मैंने अभी अस्तर सेट नहीं किया है, सिंगल कपड़ा है ये। इस तरह मैंने इसकी क्रीज बनाई अच्छी तरह से, कुटका लगाया मैंने सेंटर का। ये देखिए क्रीज भी बनाई, कुटका भी लगाया। अब मेरे गले की जो भी चौड़ाई है वो मैं रखूँगी। बहुत सारे लोग बीप में पहनते हैं तो पूरी भी रख लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहनते, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया। 7 इंच पे तकरीबन हमने लिया, 7 इंच पे नहीं लेंगे हम, 7 इंच पे आ रहा हम नहीं लेंगे, आधा आधा इंच हम छोड़ेंगे, ये अपनी मर्ज़ी है। इस तरह कम डीप में पहनती हैं, यहाँ से 7 इंच है, पूरा 7 इंच पे पहनती हैं। हमने निशान लगा लिया। अब हमने अपने अस्तर के कपड़े को लिया, इसकी क्रीज जमाई, इस पर भी कुटका लगाया हमने, क्रीज भी जमी हुई है, उस कपड़े पे भी जमी हुई है, और इस पे भी जमी हुई, अस्तर पे भी और कमीज पे, दोनों पे क्रीज है। सीधा कपड़ा रखा, उल्टा अंदर रहेगा, सीधा ही ऊपर से अस्तर का रखा, सीधा ही कमीज का, सीधा ही अस्तर का। आलपीजनों से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, क्रीज से क्रीज देखी हमने, ये गला यहाँ तक आ रहा है। जितने भी पहनने वाले की मर्जी है, वो जितना भी गला पहनता है उसका हमने नाप पहले रखना है। यहाँ तक पहनती हैं इसलिए मैंने गोलाई से ली। आलपिनों से मैंने पूरा सेट करा, अस्तर के कपड़े पे मैंने, ये देखिए अगर ये पूरा डीप में पहनती तो यहाँ से सिलाई चलती, लेकिन ये नहीं पहनती हैं इसलिए मैंने आधा आधा इंच हटा के निशान लगाया। नीचे से इतना ही पहनती हैं तो ये इनका नाप परफेक्ट आ रहा है। ये हम सिलाई कर लेंगे सेंटर की, पहले हमने मारी ताकि हमारे गले इधर से उधर ना हो। अब हम साइड से लगा रहे हैं, बगैर बुकरम के ये गला बन रहा है, अच्छा लगता है और आसानी से बनता है। बुकरम पे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ये गला, ये बिल्कुल काम के हिसाब से। मोती वगैरह होते हैं तो हाफ बुट लगाते हैं हम, लेकिन ये कढ़ाई है इसलिए मैं फुल बुट पे ही कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ा हुआ है, वरना चौड़ाई में ज़्यादा पहनती तो हम परफेक्ट काम से लेते। आलपीने हमने निकाल दी, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे। कुटके लगाएंगे हमेशा की तरह, झोल निकल जाता है, सब तरफ लगा ली हमने। अब ये देखिए ये सीधा हिस्सा है और ये अस्तर उल्टा हो गया। अब हम इसको इस्त्री से बहुत खूबसूरत तरीके से जमाएंगे। ये देखिए कितना हसीन गला आया, इस तरह हम सिलाई कर लेंगे। देखिए किस तरह कर रही हूँ मैं, गौर से देखिएगा, अस्तर के कपड़े पे आएगी, गले पे बिल्कुल नहीं आएगी। आप चाहें तो नहीं सिलाई करें, कोई मसला नहीं होता, बाद में हम इसको कच्चा करते हैं, लेकिन मैंने कर ली है पक्का करने के लिए। वैसे मैं सुई से भी इसको पक्का करूँगी। इस तरह गला बनाने से गला बहुत खूबसूरत आता है, ख़ासतौर पे अस्तर की कमीज पे। ये देखिए मेरे अस्तर पे ही आया है सिलाई। अब मैं इसको सुई की मदद से करूँगी, इस्त्री से मैं पहले इसको जमाऊँगी, फिर इसको सुई की मदद से भी मैं फासले फासले से हटा के मार दूँगी। त्रुपाई की तरह नहीं बल्कि इस तरह लेंगे, बड़ा टाका नीचे रखेंगे और छोटे छोटे टाके नज़र ना आए वो ऊपर रखेंगे, ताकि हमारा गला अच्छी तरह जम जाए। पूरे गले में हम इस तरह करेंगे, ये देखिए गौर से पूरे गले में कर लेंगे।
ये देखी कर लिया मैंने, बैक से भी देखी है। अब हम अस्तर सेट कर लेंगे बाकी जिस तरह होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।